वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। दो या हार्डली 3 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, उससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैं धर्मशाला मैक्लोडगंज राइड पे गया था और वहाँ पे मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ। वापस आके मैंने एक रील अपलोड करी और थैंकफुली 4 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी थी वो। 99% लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, बहुत अप्रिशिएट करा मेरे को उस इंसान की हेल्प करने के लिए, वहाँ पे रुकने के लिए। बट 1% जो लोग थे, इतने नेगेटिव कमेंट्स उन्होंने करने शुरू कर दिए कि देखो अगर तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ फिर मेरा सुनना बनता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें थी जो उन लोगों के हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी और मैंने नहीं करी, और वो चीज़ें क्या थी वो मैं आगे बताता हूँ। कुछ लोग मेरे को पहले वाली रील जो मैंने अपलोड करी थी उसमें मेरे को बोल रहे थे कि तू की चौधरी बन रहा है, तेरा रुकना वहाँ पे बनता नहीं था। मैं जब रुका हूँ ना वहाँ पे, मेरे दिमाग में यही था कि शायद से मेरी गलती है, मेरी बाइक में टच होके वो गिरे। ये चीज मेरे को बाद में वहाँ पे पता चली है, तब तक मैं ऑलरेडी गिल्ट में था कि शायद से मेरी वजह से गिरे। बाद में मेरे को जाके ये चीज पता चली कि उनको मिर्गी का दौरा पड़ा था और बाइक अगर टच होती तो वो आगे को गिरते, ना कि वो पीछे को गिरते। और मेरा वहां पे रुकना अगर मेरी गलती थी या नहीं थी, इंसानियत के नाते इतना तो शायद से मेरा बनता है कि एटलीस्ट रुक के तो देखूं कि हुआ क्या है। अगर अकेला बंदा है वहां पे तो उसको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तो हो। और इस चीज को कुछ लोग कंटेंट समझ रहे थे कि कंटेंट मिल गया इसको। अगर कंटेंट की बात होती ना, जब तक मेरे को लोग ब्लेम कर रहे थे कि मैंने गिराया, मुझे वहां से निकल जाना चाहिए था, मुझे रुकना नहीं चाहिए था, ठीक है। और अगर मैंने ये वीडियो रखी है, मैंने शूट करी है, तो मैं ऑलरेडी शूट करते हुए आ रहा था, मैंने स्पेशली कैमरा नहीं ऑन करा। और मेरी जगह पे शायद से वो खुद भी होता ना तो वहाँ पे वीडियो वो भी बनाता अपनी सेफ्टी के लिए। और अगर ये कैमरा बंद होता तो शायद से आज तक मैं गिल्ट में होता कि वो बंदा मेरी वजह से गिरा। मैंने नेविगेशन पे क्यों नहीं लगाया, मैं उनके साथ क्यों नहीं गया, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे। नेविगेशन पे मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जिस टाइम मैं निकल रहा था वहीं पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वहीं पे मेरे को किसी ने बताया कि हॉस्पिटल पास में ही है, आप स्ट्रेट इस रोड पे चलते जाओ आपको दिख जाएगा। और जब मेरे को बिल्डिंग नहीं दिखी हॉस्पिटल की तो मेरे लिए इजी था वहां पे बैठे हुए लोगों से पूछना, इंस्टेड ऑफ इतनी स्टीप रोड पे लोडेड बाइक रोकना। एक तो मैं सोलो राइड कर रहा था, बाइक मेरी लोडेड थी, और अगर कोई मैक्लोडगंज गया तो उसको बहुत अच्छी तरह से ये चीज पता होगी कि रोड किस हद तक स्टीप है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैं उन लोगों के साथ क्यों नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे लिए वो जगह नहीं थी, वो लोग नए थे, मैं बाइक ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता था क्योंकि लगेज माउंटेड था, बाइक लोडेड थी, कैमरा माउंट हो रखा था। और जितनी देर में अगर मैं वहां से लगेज उतारने का सोचता, कैमरा उतारने का सोचता तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो मेरे लिए कन्वीनियंट यही था कि मैं बाइक पे निकलता। एमरजेंसी की तरह